वैल्यू होता है, जैसे ये फिगर देखिए, ये फिगर का वैल्यू ऑलवेज 5 होगा, ये कांस्टेंट है। आप ये फिगर देखें, ये पाई है, इसका वैल्यू ऑलवेज 3.14 होगा। तो या और भी जैसे रूट टू देखिए, इस फिगर का वैल्यू भी 1.414 या रूट टू बोल सकते हो। तो क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनका वैल्यू उतना ही बोला जाएगा जितना शुरू से हम लोग जानते आ रहे हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? जैसे जब हम लोग कहीं पर भी एक्स लिखते हैं, तो क्योंकि एक्स कोई नंबर नहीं है, क्योंकि एक्स कोई नंबर नहीं है और अलग अलग एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू अलग हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें 5x + 2 = 10, तो इसमें ध्यान दो कि x के जगह पर हम कितना वैल्यू पुट करें कि 10 आ जाए। तो इसके लिए हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू कैसे आएगा? 2 को हम लोग राइट साइड में कर दें तो 5x = 10 - 2, यानी 5x = 8, यानी कि x = 8/5। तो ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन के लिए x का जो वैल्यू है वो कितना है? 8/5 है। जबकि अगर हम लोग एक अलग एक्सप्रेशन ले लें, तो क्या इस एक्सप्रेशन के लिए भी x का वैल्यू 8/5 होगा? जी नहीं, नहीं होगा, क्योंकि हम x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 3 में जुड़ करके 5 चला आएगा। सीधी सी बात है, इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू कुछ अलग है, जबकि इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू कुछ अलग है। मतलब ये ऐसा स्क्रिप्ट या सिंबल है जिनका वैल्यू हर एक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में बदलते रहता है, और इसीलिए हम लोग इनको वेरिएबल कहते हैं। कुछ और वेरिएबल में जैसे थीटा जनरली एंगल के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम लोग ए मान सकते हैं, या हम लोग फाई मान सकते हैं। तो कोई भी स्क्रिप्ट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है जिनका कोई फिक्स वैल्यू ना हो, और अलग अलग इक्वेशन में उसके वैल्यू बिल्कुल अलग अलग आते हों, हम लोग उनको वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टर्म है वो आता है डिग्री। तो हम लोग डिग्री के लिए एक उदाहरण लें। मान लें हमें लिखा हुआ है 5x⁷। तो हमने क्या देखा, ये जो एक टर्म है, सबसे पहला टर्म में एक सबसे शुरुआत में एक इसका साइन आया। तो कोई भी टर्म या तो पॉजिटिव साइन में हो सकता है या निगेटिव साइन में हो सकता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पर जो आया वो हमारा नंबर आया, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और थर्ड पार्ट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इस वेरिएबल पर पावर कितना है। अगर इस पर पावर देखा जाए तो इस वेरिएबल पर पावर है 7, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल का यूज किया गया है, तो डायरेक्ट इस पर जो पावर है वही डिग्री हो गया। अगर मान लिया जाए ये कुछ ऐसा रहता 5x² y⁴, तो अब इसमें देखा जाए एक नहीं बल्कि दो दो वेरिएबल है, और x पर अगर देखा जाए तो इस पर पावर 2 है, और अगर y पर देखा जाए तो इस पर पावर 3 है। और तो और ये दोनों x² और y³ दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड में होते हैं, तो उनके पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं और टोटल पावर यहाँ 5 आता है। इसलिए ये जो पूरा टर्म देखते हो, इस पूरे टर्म का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 5 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो 5x² + y³ यदि ये लिखा हुआ रहता, तो ध्यान दो अब ये प्लस जो है दो अलग अलग टर्म बना रहा है, और इस टर्म में एक सिंगल वेरिएबल x है जिसका डिग्री 2 है, जबकि ये भी एक सिंगल टर्म है और इस पर पावर 3 है।
तो हम लोगों ने क्या देखा, दोनों टर्म का डिग्री बिल्कुल अलग अलग है, दोनों टर्म का जो डिग्री है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए जब दोनों टर्म का डिग्री बिल्कुल अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म का डिग्री 2 है और इस टर्म का डिग्री 3 है। तो अगर पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री पूछा जाए क्या होगा, तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसलिए पूरे